चैप्टर 3 देख रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में बात करेंगे। जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, वो मोशन में है। अब मैं इसको बताऊंगा आपको कि कैसे कोई चीज अगर रुकी भी हुई है तो कैसे वो मोशन में है। यानी कि जो भी आप चीज देखते हैं, चाहे आप वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, साइकिल कर रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन है, या वाटर फ्लो कर रहा है, या कोई पक्षी उड़ रहे हैं, ये एग्जांपल है जो आप देखते हैं। लेकिन कुछ इनविजिबल भी हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है कंडक्टिंग वायर में। तो स्टेशनरी जो ऑब्जेक्ट दिखते हैं, रोड है, ट्रीज है, बिल्डिंग है, कभी मूवमेंट करते हुए नहीं दिखते हैं। बिल्डिंग हमेशा खड़ी है तो खड़ी है, लेकिन ये मूव कैसे कर रही है, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रहा है तो उस सापेक्ष में देखेंगे तो ये भी मूव कर रही है। आपका अर्थ खुद पृथ्वी सूरज के आजू बाजू चक्कर लगाती है। सन, अब सूरज भी अपने आप मूव करता है मिल्की वे में, और अपना मोशन है उसका। मिल्की वे जो गैलेक्सी है वो अपने आप अपना मोशन कर रही है दूसरे गैलेक्सीज के सापेक्ष में। तो जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोशन पे है। यदि एक ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज करता है समय के साथ, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब ये कैसे भी हो सकता है, आप कहें स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट मोशन हो जाएगा, अगर इस तरीके से घूम रहा है इस तरीके से घूम रहा है तो आप कहेंगे रोटेशनल मोशन है। एक पेंडुलम को ले लीजिए, वो इस तरफ मूव कर रहा है, इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं, या हम इसको वाइब्रेशनल, इस तरीके से वाइब्रेशनल मोशन भी होते हैं। तो हम स्ट्रेट लाइन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। इसके लिए हमें जानना जरूरी होगा कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन है। काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब यह होता है कि फिजिक्स की वो ब्रांच जो मोशन को, मूवमेंट को तो समझती है, लेकिन उसके कॉजेस के बारे में, क्यों ये हो रहा है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती। डायनेमिक्स ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो इस मूवमेंट को या मोशन को डिस्क्राइब करती है, साथ में ये भी बताती है कि ये मोशन किस कारण से, किन परिस्थितियों में, किन प्रॉपर्टीज के कारण हो रहा है। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स, इनको हम कलेक्टिवली जोड़ लें तो इसको हम मैकेनिक्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। पार्टिकल क्या है? कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा जो ऑब्जेक्ट है, उसको साइज के हिसाब से या जिस सापेक्ष में हम ले रहे हैं, जिस रेफरेंस में हम ले रहे हैं, उस हिसाब से हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। मोस्टली हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट ही रहेंगे। तो पार्टिकल एक पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ मास है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हाथी हो सकता है, वो प्लेन हो सकता है, या आप हो सकते हैं, आप भी है। तो ये सारे के सारे आपके किस में आएंगे, ये हम इसको कहेंगे कि ये पार्टिकल है। और अगर आप प्रैक्टिस में देखें, जनरल लाइफ में देखें, इस तरीके के से ऑब्जेक्ट जिनके डिमेंशंस हो वो मिलेंगे, लेकिन कई ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल की तरह ही ट्रीट करेंगे। वो सर्कमस्टांसेस क्या हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे पहला जो है, जितने भी पार्टिकल्स हैं सॉलिड बॉडी के जो लीनियर मोशन में जा रहे हैं, वो एक समय पे, उसी समय पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। उस वो चाहे हाथी यहाँ से चल रहा हो या फिर आपका साइकिल चल रही हो, दोनों के बारे में हम सही ही बात करेंगे, क्योंकि दोनों को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत लंबा है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपके ऑब्जेक्ट जो है वो पार्टिकल्स हैं। जैसे आप कहें यहाँ पर सन है या अर्थ है, आप सन और अर्थ को देखिए, वो कितने बड़े बड़े हैं। लेकिन अगर हम इनके बीच में दूरी की बात करने लगे या ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करने लगे, तो सन और अर्थ के बीच में इस दूरी के हिसाब से इनका जो डिमेंशन है वो बहुत ही कम है। तो हम इनको पार्टिकल की तरह डील करेंगे, फिर तब हम कंपटीशन करेंगे, तब इस पे हम अपने फिनोमेना के बारे में बात करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके ऊपर है, जो आप अपने हिसाब से तय करेंगे। मैं इसका एग्जांपल समझाता हूं कि यहां पर आपके पास एक ट्रेन है, और आप समझिए कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन मूव कर रही है। इस ट्रेन में एक बैग रखा हुआ है, और यहां पर एक सांप खड़े हैं ट्रेन में, एक सांप बाहर खड़े हुए, और ये इनका यहां पर पेड़ है। तो इन सांप के हिसाब से जब ट्रेन मूव कर रही है, तो ये बैग और ये सांप दोनों मूव कर रहे हैं, ट्रेन भी मूव कर रही है। लेकिन ये जो साहब है जो ट्रेन के अंदर खड़े हैं, उनके हिसाब से ये जो ऑब्जेक्ट है या बैग है, ये स्टेशनरी है। दूसरी तरीके से देखते हैं,
इन साहब की नजरों में ये जो पेड़ है ये मूव कर रहा है, क्योंकि जब इसे आगे बढ़ेंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन अगर इन साहब की नजरों से देखा जाए तो ये पेड़ स्टेशनरी है, ये कहीं मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से है। इनके लिए, अगर इनके लिए देखा जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन है। इनके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखिए आप, ये अर्थ है, पूरा अर्थ है, वहां पर खड़े हुए हैं। तो मोशन जो है पूरा पूरी तरीके से एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, जिसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करना बहुत जरूरी है, और आप फ्री हैं कि कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप चूज कर सकते हैं। प्लेस और सिचुएशन, जगह और वो सिनेरियो, वो ऐसी परिस्थितियां जहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा होकर ऑब्जर्वेशन ले रहा है या चीजों को जज कर रहा है, उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आपने जो पिछला एग्जाम्पल देखा उसमें मैं फिर से बताता हूं कि जो बैग है उसके लिए जो पैसेंजर साहब है ट्रेन में, वो उनका पैसेंजर साहब जो है उनके लिए ट्रेन ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गई। लेकिन अगर आप ऑब्जर्वर की बात करें जो रोड साइड पे खड़ा हुआ है, ट्रेन के बाहर है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उनके लिए अर्थ हुई, स्टेशनरी अर्थ, जो कि उसके हिसाब से मूव नहीं कर रही है। तो दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, एक आपका इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होता है, जिसके बारे में हम तफसी से बात करेंगे आगे। पोजिशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट। अब किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, किस समय पे कहाँ मूव कर रहा है, T1 पे यहाँ है, T2 पे यहाँ चला गया ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है, इसकी पोजीशन क्या होगी, हमको सबसे पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आप कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, लेकिन हम कन्वीनियंस के हिसाब से अपने लेंगे। सबसे बढ़िया तरीका ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि हम, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो अब कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ रखा है तो उसको इस ओरिजिन जीरो से लेके चले, इस ओरिजिन का मतलब होता है एक्स यहाँ जीरो है, वाई यहाँ जीरो है, जेड जीरो है। लेकिन जैसे आप इस पोजीशन की बात करेंगे या इस पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ एक्स से दूरी, वाई से दूरी, जेड से दूरी, ये सारी दूरियां होंगी और उसकी कुछ वैल्यूज आएंगी यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 15, 10, 11, तो एक्स से दूरी इसकी 15 है, वाई से 10 है और जेड से आपकी 11 है। इस तरीके से आप दूरियां यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है 0 0 0, एक्स वाई जेड एक्सिस है, इसको हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं, वो उसकी लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप टाइम भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ टाइम की भी व्यवस्था है, टाइम को भी जानना जरूरी है कि हम पता कर सकें कि कितने टाइम में ये कहाँ गया। तो जब हम टाइम को पता करेंगे तो हमको एक क्लॉक सिस्टम भी अपने सिस्टम में डालना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया आपको डायग्राम से अगर समझाऊं तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये आपका 0 0 0 है। लेकिन अगर आप ए की बात करें, आपकी पोजीशन अभी X1, Y1, Z1 है, तो आप एकदम प्रिसाइसली लोकेट किए जा सकते हैं कि आप किस जगह पे हैं। T1 पे, किसी T समय मान लीजिए 2 बज रहा है, यहाँ पर है, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँच गए, मान लीजिए 4 बज रहा है और आपने लोकेशन यहाँ पर चेंज की, तो 2 घंटे में आप X1, Y1, Z1 से लेकर X2, Y2, Z2 तक तो पहुँच गए। आपने कुछ कोई ऐसा भी कोई भी कर्व यूज किया, ये जो है ना, ये कर्व जो है कुछ भी हो सकता है, आप स्ट्रेट लाइन भी आ सकते हैं, कर्व यूज कर सकते हैं। तो T1 पे आप X1, Y1, Z1 पे हैं, T2 पे आप X2, Y2, Z पे हैं। तो ये बताता है कि जो पोजीशन है पार्टिकल का, आपका गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये 3 या 3D कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्योंकि तीन इसमें एक्स वाई जेड तीन कोऑर्डिनेट्स। अगर आप मान लीजिए, जैसे आपने कहा मैं 15, 10, 11 पे हूँ और मैं यहाँ पर अगले में आया, मैं यहाँ पर हो गया 20, 10, 11, तो ये एक्स ये है, वाई है, ये है, जेड ये है। आप देख पा रहे हैं कि वाई और जेड चेंज नहीं हुए, वाई और जेड दोनों बराबर है, लेकिन एक्स जरूर चेंज हो गया, 15 से 20 हो गया। इसका मतलब जब आप एक ही कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब आप लीनियर चल रहे हैं। अगर ये दो में, मतलब 15 से 20 हो गया, या 10 से मान लीजिए ये भी 20 हो गया, तो आप दो डायमेंशन में चल रहे हैं, एक डायमेंशन इसका कॉन्स्टेंट है, तो इसको हम कहते हैं टू डायमेंशन मोशन। जैसे आप देखें कि एक अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, या फिर आप कैरम बोर्ड पे एक स्ट्राइकर मार रहे हैं, तो ये जो मोशन होता है इसको हम टू डायमेंशन कहते हैं। लेकिन आप कहें एक बटरफ्लाई है या एक पक्षी है, यूं करके उड़ रहा है, ये एक्स वाई जेड तीनों अपनी डायरेक्शन पोजीशन चेंज कर रहा है किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, तो हम ये कहेंगे कि ये 3D मोशन में है। तो 1D मोशन ध्यान रखिएगा, ये तभी होता है जब कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो बस। अगर हम जानना चाहें कि स्ट्रेट लाइन में कैसे काम करता है, तो हमको कोई ना कोई एक्सिस चूज करना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, अब जैसे मैंने बताया केवल एक ही एक्सिस चेंज होती है स्ट्रेट लाइन में, तो ये पाथ है आपका, ये पाथ आप ये मान लीजिए ये पाथ है और ये आपकी एक्सिस है। अब हम क्या करते हैं, एक इनिशियल पॉइंट हमें जरूर लेना पड़ेगा जिसको हम रेफरेंस कहते हैं। ये कन्वीनियंटली हम जीरो ले सकते हैं इस जैसे डायग्राम में आपने लिया। एक चीज जरूर देखने योग्य है कि जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप प्लस बोलेंगे,
जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप नेगेटिव बोलेंगे, इसी तरीके से आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस बोलेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप नेगेटिव बोलेंगे। तो ये जरूर ध्यान रखना होगा क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन को भी देखेंगे बट साइन चेंज करेंगे। अब पाथ लेंथ क्या होता है? पाथ लेंथ का मतलब ये होता है कि आप यहां से गए अपने जीजा जी के घर, जीजा जी से घर गए अपनी बहन के घर, बहन किसके घर से आप गए अपने दोस्त के घर। यहां आपने 1 किलोमीटर तय किया है, 2 किलोमीटर, यहां 5 किलोमीटर, ठीक। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया आपने? 5, 6, 7, 8, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया। ये आपका होता है पाथ लेंथ या डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? आप यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, पहली पोजीशन ये थी, बाद की पोजीशन ये थी, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी कि एक्चुअल पोजीशन क्या चेंज किया आपने, आप यहां से मूव करते रहे, फाइनल पोजीशन आपकी क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट ये कहलाता है कि आपका यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। मान लीजिए आप किसी x1 पोजीशन पे थे t1 पे और x2 पोजीशन पे गए t2 टाइम में, तो डेल्टा टी कितना हुआ? t2 माइनस t1। इसी तरीके से पोजीशन कितनी चेंज होगी यहां से यहां तक? आपकी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि x2 माइनस x1। जो पाथ लेंथ या फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों की SI यूनिट आपकी मीटर में है। अब जरा समझते हैं कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट को और दूसरे शब्दों में। अब आप देखिएगा कि एक कैसे इस तरीके से कार मूवमेंट कर रही है। अब मान लीजिए इस जगह से कार 20 पे है, यहाँ तक 40 पर गई, फिर 80 तक चली गई, उसके बाद ये वापस घूम के यहाँ सी तक दोबारा आ गई। तो टाइम इंटरवल अगर हम देखें T2 माइनस T1, अगर कोई भी A पे है या फिर A पे T1 है और फाइनली C पे इनका मान लीजिए T2 है, क्योंकि वापस लौट के भी ये सी तक आ गई है, तो पाथ लेंथ कितना होगा इस पूरा यहाँ से यहाँ तक AB और फिर BC यहाँ से यहाँ तक, है ना? तो पाथ लेंथ कितना होगा आपका यहाँ से यहाँ तक? कितना है ये? 80 है, ये 20 है, 80 को 20 में से माइनस कर लीजिए, 60 चलेगी। अब यहाँ पर 80 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ इस डायरेक्शन में चले तो बेसिकली आपने 80 माइनस 40 यानी कि 40, तो 40 यहाँ वापसी में चले, 60 ये इस तरफ चले, 60 इधर चले, 40 इधर चले, 60 और 40 कितना हुआ? देखिए 80 कैसे आया और ये 60 सॉरी 60 कैसे आया और 40 कैसे आया, इसका मैंने कंप्यूटेशन जो बताया आपको उनको जोड़ेंगे तो 100 किलोमीटर चले, यानी कि जो चले हैं वो 100 किलोमीटर है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग होती है, ये टोटल आपका पाथ लेंथ हुआ यानी कि डिस्टेंस हुआ। डिस्प्लेसमेंट ये हुई कि यहाँ से शुरू किए थे, पहुँचे यहाँ पर यानी सी पे, तो अल्टीमेटली इन्होंने कितना ट्रैवल किया? 40 पे 40 माइनस 20 करिए 20 आएगा, यानी कि प्लस 20 डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, राइट? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है। यहीं पर अगर वो इधर आके कहीं रुक जाते इस जगह पर तो ये जीरो होता, मान लीजिए यहाँ 20 पे रुके तो आपका होता 0 माइनस 20, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो आपका माइनस 20 आता है, यानी कि इस डायरेक्शन में आप बताते। तो डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा। पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जो पूरी पूरी यात्रा आपने की है वो डिस्टेंस है, लेकिन जो रिजल्टेंट इफेक्ट हुआ कहाँ से कहाँ तक पहुँचे उसके उसके बीच में दूरी होती है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जो डिस्टेंस है वो तो आपका बिल्कुल इस ऐसे नापा जाता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी आती है, नेगेटिव पॉजिटिव भी आता है उसमें। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका इस तरीके से वेक्टर से दिखाया जाता है, वेक्टर को हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे, पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है। तो वेलोसिटी के बारे में मैं जब बात करूँगा तो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात के बारे में बात करूँगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका एक वेक्टर है, वेक्टर आपको अपना डायरेक्शन भी देगा और साथ में अपनी वैल्यू भी देगा। अभी एग्जांपल है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, एक सर्कल आर है, ये ए से शुरुआत करता है और एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि इस अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे क्लॉक चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो ए से बी पहुंचता है पहले, बी से ए से फिर सी पहुंचता है, फिर ए से डी पहुंचता है, फिर वापस ए पहुंच जाता है। तो ए से बी तक का आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना है। देखिए डिस्टेंस जो होता है जो एक्चुअल ट्रैवल किया है वो होता है। तो अगर इसका एग्जांपल देखें आप यहाँ से यहाँ तक, तो आप यहाँ से ए से चले और यूं आपने ट्रैवल किया बी तक। अब पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस या पूरी की पूरी दूरी अगर ए से मैं इस तरीके से घुमा दूँ तो पूरी दूरी कितनी हुई? 2πr। हम जानते हैं सर्कमफेरेंस सर्कल का होता है 2πr। यहाँ से ए से चले और वापस घूम के यहाँ पर ए पर आ गए। अब अगर यहाँ से यहाँ तक चले तो ये 1/4 डिस्टेंस चला, यानी कि 2πr/4। इसी तरीके से ये आपका डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से लेकर बी तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। इसी तरीके से आप दूसरे में आइए, ए से बी चले, बी से सी चले,
यानी 2πr का आधा चले आप, तो 2πr बाय 2 कर दीजिए, और ये डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ r और यहाँ r, r r r प्लस r कितना हुआ 2r। ऐसे अगर आप यहाँ से चले यूं करते 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 यहाँ तक चले आए, जो कि तीसरा सवाल है ए से डी, तो 2πr तो पूरा का पूरा डिस्टेंस होता है, लेकिन आप क्या तीन चौथाई चले, 3/4, तो 3/4 कर दीजिए 2πr का। अब ए से चले और पूरा का पूरा घूम के आप ए पे आ गए, इसका मतलब आपने 2πr डिस्टेंस चल दिया। तो पहले के लिए डिस्टेंस ये, दूसरे के लिए डिस्टेंस ये, तीसरे के लिए डिस्टेंस ये, चौथे के लिए डिस्टेंस ये। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, पहले के लिए डिस्प्लेसमेंट ए भी हो गया, दूसरे के लिए डिस्प्लेसमेंट आर प्लस आर हो गया, तीसरे के लिए डिस्प्लेसमेंट आपका फिर से यही वाला डिस्टेंस हुआ जितना ये है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर। और फाइनल देखें, अगर लौट के यहाँ पर आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए से शुरू किया, ए से खत्म हो गया तो जीरो हो गया। तो वही यहाँ पर किया हुआ है, पहले में पाथ लेंथ है एक चौथाई 2πr का, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये मैं इसको समझा दूँ जरा, ये r है, ये r है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसका अंडर रूट है ना, तो ये होगा 2r² और अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा r, तो ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक 2r हुआ, यहाँ से यहाँ तक फिर से अंडर रूट 2r हुआ, और जब वापस यहाँ पर आ गए तो जीरो हो गया। तो आप देखिएगा, ये पहला का डिस्प्लेसमेंट इतना है, तीसरे का डिस्प्लेसमेंट इतना है, पहले का 1/4 ऑफ 2πr है, दूसरे का हाफ ऑफ 2πr है, तीसरे का 3/4 2πr है, बाकी ये तो मैंने डिस्प्लेसमेंट बता दिया। फाइनल का क्या करेंगे, फाइनल का ये हुआ आपका, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कवर किया है, पूरे सर्कल में चले 2πr, और क्योंकि वापस इधर आ गए तो जीरो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि आप चले तो सही लेकिन पहुंच तो वहीं गए, जीरो डिस्टेंस, जीरो डिस्प्लेसमेंट आपने कवर किया। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, पहले तो हम जब मोशन की बात करेंगे तो उसकी पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही होगी समय के साथ, तो इस मोशन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कितना तेज़ी से ये जा रहा है, कितने स्लो जा रहा है, और चेंज के साथ चेंज समय के हिसाब से कैसे हो रहा है। इसके लिए हमारे पास एवरेज स्पीड होनी चाहिए, एवरेज वेलोसिटी होनी चाहिए। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें और टाइम से डिवाइड करें, उस टाइम इंटरवल, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम, अगर इसको हम लेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, तब हम कहेंगे कि हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, यानी कि वी से रिप्रेजेंट करेंगे, वी बार से रिप्रेजेंट करेंगे। एवरेज स्पीड का मतलब है डिस्टेंस कितना है, यानी पाथ लेंथ कितना है, और टाइम ट्रैवल कितना किया गया है। मान लीजिए डेल्टा एक्स पूरा डिस्टेंस कवर किया गया, डेल्टा टी पूरा टाइम लिया इन्होंने, तो वेलोसिटी आपका डिस्टेंस बाय टाइम हो गया। और अब यहाँ पर आता है कि एक और सवाल कि भाई ठीक है, लेकिन कितने पोजीशन उसकी किस हिसाब से चेंज हो रही है, बहुत तेज़ हो रही है, बहुत स्लो हो रही है। इसको समझने के लिए हमारे पास होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखिएगा, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, पाथ लेंथ बाय टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है मानिए, और टी आपका टाइम है, तो ये आपका एक्स बाय टी आएगा। एवरेज स्पीड और वेलोसिटी दोनों के जो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड लेते हैं, लेकिन क्योंकि दूरी बहुत लंबी होती है तो किलोमीटर पर आवर में अमूमन इसको नापा जाता है। तो ये एवरेज स्पीड हो गई, ये आपका एवरेज। नोटेशन भी इसके तरीके से होते हैं, जैसे आप मानते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो इसके हिसाब से एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर हो जाएगी, क्योंकि वो अल्टीमेटली एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब मान लीजिए टी इक्वल टू जीरो से एक कार स्टार्ट हुई, बी तक गई, और उसके बाद वो वापस आ गई, यहाँ तक गई, उसके बाद दोबारा लौट के आ गई, टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया, यहाँ से यहाँ तक 80 और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 40 और है। हम इस सवाल को छोड़ते हैं और हम इसी को लेते हुए हम दूसरी चीज़ करते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक वो गई और लौट के वो आ गई, पूरा डिस्टेंस इन्होंने 100 ट्रेवल किया। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये 60 था, 60 से लेकर ये 40 गए, 100 कुल इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 100 को डिवाइड कर दीजिए 2 घंटे से, आपका आ गया एवरेज स्पीड। और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, देखिए ये आए 40 पे और शुरुआत हुए थे 20 से, 40 - 20 करिए 20 आएगा, 20/2 करेंगे, यानी कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, डिस्प्लेसमेंट है 20, उसको डिवाइड किया हमने 2 से, तो आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा आया। यानी कि स्पीड और ये वेलोसिटी दोनों अलग होती है, एक डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, एक डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। और प्लस साइन आपको बताता है एवरेज वेलोसिटी कार का, ये वाला बता रहा है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर ये मान लीजिए कार जाती है ए ए बी, फिर सी पे आती है, फिर यहाँ पर ओ तक चली जाती है, राइट, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी, देखिए 100 तो यहाँ था ही हमने, अब जैसे पहले लिया 100 तो है, फिर यहाँ से आता कि इन्होंने 40 और चल लिया, कुल मिला के डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया 140 3 घंटे में, 140/3 हुआ 46.6। लेकिन अब देखिएगा कि यहाँ पर ये जीरो से शुरू हुई है, लेकिन
यहां पर आके रुकी है 20 पे, इस जगह पे। तो 0 माइनस 20, क्योंकि ये माइनस में है, 0 माइनस 20 यानी 0 प्लस 20 करना चाहिए था, लेकिन ये माइनस 20 है। 0 माइनस 20 बाई 3 यानी कि माइनस 6.6 आया, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इस कार की नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, किस जगह पे हुआ है। एवरेज स्पीड या तो वेलोसिटी से बराबर हो सकती है या उससे ज्यादा हो सकती है। अब एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है? आप देखिए, आप अहमदाबाद से गए वडोदरा, या आप देहरादून से गए मान लीजिए दिल्ली। अब आप यहां पर गए, यहां पर टोल आ गया, रुक गए, यहां पर गए, बड़ा अच्छा एक्सप्रेस वे था, आपने बहुत तेजी से चलाई, ये एग्जाम्पल इसके लिए भी है, बहुत तेजी से चलाई, और उसके बाद आपने देखा कि यहां पर तो कुछ चाय वाय की जरूरत पड़ रही है, चाय के लिए रुक गए, 10 मिनट रुक गए, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर रही? नहीं ना। क्यों? क्योंकि किसी जगह आप बहुत तेज चले, किसी जगह आप रुक भी गए, कुल मिला के आपने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल किया इस टाइम में, तो वो जो डिवीजन होता है तब उस हिसाब से हम एवरेज स्पीड नापते हैं। क्योंकि कभी भी एवरेज स्पीड उस तरीके से नहीं होती जैसे हम समझते हैं, क्योंकि कभी रुकना भी पड़ता है, कभी ट्रेन की बात भी ले लीजिए, हवाई जहाज की भी बात ले लीजिए, कहीं ना कहीं स्पीड को वेरिएशन करनी पड़ती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हो सकता है कभी 80 किलोमीटर भी हो रही हो, कभी जीरो भी हो रही हो, इसलिए हम स्पीड नहीं कहते, हम एवरेज स्पीड कहते हैं। एक व्हीकल है, डिफरेंट डिस्टेंस वो डिफरेंट स्पीड से कवर कर रही है एक ही डायरेक्शन में। आपको एक्सप्रेशन निकालना है एवरेज स्पीड का। स्पीड का सीधा मतलब है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है इस व्हीकल की, तो स्पीड कैसे निकालेंगे? आप पूरा डिस्टेंस निकाल लीजिए, पूरा टाइम निकाल लीजिए। अब इन्होंने कहा D1 से लेकर D2, D3 इतना इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया, D1 जब डिस्टेंस चले तो V1 कवर किया, D2 जब चले तो V2 किया, और D3 जब चले तो V3 किया, इस तरीके से चलते चले गए। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस लेंगे तो D1 प्लस D2 प्लस D3, टोटल टाइम लेंगे तो T1 प्लस T2 प्लस T3। तो एक काम करिए, टोटल टाइम निकालने के लिए T1 प्लस T2 प्लस T3 कर लीजिए। लेकिन हम जानते हैं टाइम क्या होता है, टाइम होता है अगर हिसाब से निकाला जाए, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी D1 बाय V1, D2 बाय V2। इसकी जगह हम D1 बाय V1 लिख सकते हैं, इसकी जगह D2 बाय V2, और इसकी जगह D3 बाय V3। तो हमारे पास एवरेज स्पीड क्या आ गई, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, हर डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए, टाइम अभी अभी आपने निकाल लिया, D1 बाय V1 प्लस D2 बाय V2, इस तरीके से। अगर हम स्पेशल केस लें, अगर ये पूरा डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है, D1 D2 दोनों D है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ V1 से चले, यहाँ V2 से चले, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D प्लस D, ये पूरा, और टोटल टाइम क्या हो गया, एक D बाय V1, एक हो गया D बाय V2। तो इसको अगर हम ले लें और D D कैंसिल हो जाएगा, 2 V1 V2 बाय V1 प्लस V2। एक साहब है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, कवर करते हैं जो डिस्टेंस वो आधा V0 पे, आधे टाइम के लिए जो बाकी डिस्टेंस है उसमें आधे, उसका आधा वो चलते हैं V1 स्पीड से, और उसका आधा और बाकी का जो कंप्लीशन के V2 भी चलते हैं। आपको एवरेज स्पीड बतानी है, तो ये कैसे होगा, मैं इसको समझा दूं आपको, सवाल क्या किया गया, पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये आधा है, डी बाई टू ये कवर करते हैं T1 टाइम पे, और इनकी वेलोसिटी है V0। बाकी जो डी बाई टू है वो कवर करते हैं 2T टाइम पे। अब 2T क्यों लिया, मैं अभी बताता हूँ आपको, 2T आपको समझ में आ जाएगा, हमने 2T लिया इसको, और इसका जो वेलोसिटी है इस डी बाई टू का आधा जो है वो आपका कितना है, V1 वेलोसिटी, यहाँ पर आपने ली V2 वेलोसिटी। तो आप पहले वाले पे आते हैं, इस वाले की बात करते हैं, ये वाले के लिए, इसमें तो बहुत सीधा है, डिस्टेंस होता है एवरेज स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो आप देखिए, डी बाई टू ये आपका डिस्टेंस हो गया, V0 आपका स्पीड हो गई, और आपका T1 टाइम हो गया। तो T1 कैसे निकलेंगे, डी बाई टू V0, ये तो आपका पहले वाले का T1 आ गया। तो T1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, T1 आ चुका आपका। अगले पे आइए, अगले पे यही काम किया, जो D2 डिस्टेंस है वो V1 T, मतलब V1 T पहला डिस्टेंस हो गया, V2 T डिस्टेंस दूसरा हो गया, यानी आधा पोर्शन जो बाकी का था उसमें आधा इन्होंने, ये आपका डी बाई टू पूरा कितना होगा, इसका एडिशन करेंगे वो है V1 T, इसका एडिशन करेंगे वो है V2 T, दोनों को जोड़ दीजिए, T कॉमन ले लीजिए, तो 2T आ जाएगा, क्योंकि T इधर जाएगा और V1 प्लस V2 D के नीचे आ जाएगा, 2T हो गया D बाई V1 प्लस V2। अब आपको समझ में आया 2T क्यों लिया था, ये इसे लिया था क्योंकि जो टोटल डिस्टेंस जो इन्होंने वॉक करने के समय लिया डिस्टेंस वो कितना हुआ, T1 प्लस 2T2, मतलब इस टाइम में, तो कितना हुआ, वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डी हमने टोटल डिस्टेंस माना था, T1 प्लस 2T हमारा टोटल टाइम हो गया। T1 की जगह हम ये रख देंगे, T2T की जगह हम ये रख देंगे, यहाँ पर रख दीजिए,
दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करिए, रीअरेंज कर लीजिए, क्योंकि डी आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा। तो ये पहला पार्ट हमने डिस्कस किया आपके मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, और भी बहुत आने वाले हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।